वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। सूरत के पांडेसरा थाना क्षेत्र में तिपहिया टेम्पो से बैग चोरी की घटना सामने आई। पांडेसरा टी मार्ट के पास सार्वजनिक सड़क से 2,16,000 की चोरी हो गई। प्लाट नंबर 406 सनामिल अपार्टमेंट भावनगर नीर स्ट्रीट कास्कीवाड़ी रानी झील लाल गेट सूरत नईम भाई अब्दुल सिद्धार्थ अंजनाया चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। बैग चोरी की इस घटना में ऊपर दर्शाया गया स्थान पर टेम्पो चालक हुसैन भाई व शिकायतकर्ता की एजेंसी की डिलीवरी मोहम्मद आरिफ मंसूर ने माल को अंतिम डिलीवरी स्थान में ही और माल के कुल नकदी 2,00,000 रुपये 16,094 रुपये डिलीवरी मैन मोहम्मद आरिफ मंसूरी ने काले रंग के बैग में रखा था। अपने तिपहिया टेम्पो के पीछे ग्रिल में बंद बोर्ड के अंदर रख दिया था। ग्रिल का दरवाजा बंद कर दिया था और ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा। बिना नंबर प्लेट के मोपेड पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने इसे एजेंसी के पीछे पीछे आ रहे थे। उनका कहना है कि मोपेड चालक ने ही इस बैग को उड़ा दिया है और तीनों अज्ञात व्यक्तियों में से इसमें से किसी का कोई पता नहीं, वो पीछे आ रहे थे और पांडेसरा पुलिस ने उनके अज्ञात होने पर अज्ञात के नाम पर केस दर्ज कर लिया है और केस की छानबीन शुरू कर दी। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।